हेलो स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग चैप्टर 5। व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस ऑफ हिस्ट्री। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 46। हियर द टॉपिक इज कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। कैटल्स मींस पशु, है ना, हॉर्सेस तो पता ही है आपको, और चैरियट्स मींस होता है तांगे या रथ कहा जा सकता है, जो घोड़ों के द्वारा चलते हैं, है ना। So there are many prayers in the Rig Veda for cattle, children, especially sons, and horses. Horses were yoked to chariots with chariots that there were used in battles, which were fought to capture cattle. Battles were also fought for land, which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly, such as barley. Some battles were fought for water and to capture people. Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priest, and the rest was distributed amongst the people. Some wealth was used for the performance of yajns or sacrifice, in which offerings were made into the fire. These were meant for gods and goddesses. Offering could include ghee, grain, and in some cases animals. Most men took part in these wars. There was no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matter of war and peace. They also chose लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। तो यहाँ पर कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स के बारे में बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में कैटल्स, है ना, चिल्ड्रंस मीन्स बच्चे, और हॉर्सेस, ठीक है, की प्राप्ति के लिए, उनको पाने के लिए बहुत सारी प्रेयर्स की जाती थी, ठीक है। हॉर्सेस को बैटल्स में चैरियट खींचने के काम में लाया जाता था, ठीक है, और इन बैटल्स में कैटल्स को जीत कर लाते थे लोग। वैसे बैटल्स जो होते थे वो तो लैंड के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां पर अच्छे पास्चर मींस होता है चारागाह कहा जाए, है ना, अच्छा चारा, जहां पर कैटल्स आराम से वहां पर क्या कर सके, चारा खा सके, ठीक है, या जहां पर अनाज अच्छा होता था, ग्रेन्स अच्छे होते थे, मतलब जहां की मिट्टी उपजाऊ होती थी, ठीक है, तो उन जगहों के लिए भी बैटल्स होते थे, ठीक है। जैसे बार्ले, यहां सच है बार्ले मतलब जहां पर बार्ले अच्छा प्रोड्यूस किया जा सकता था, ठीक है। और कुछ बैटल्स जो होते थे वो किस लिए, पानी के जो सोर्सेज होते थे, है ना, जहां पानी ज्यादा मिलता था, ठीक है, उन लैंड्स के लिए, उन जगह के लिए, और लोगों को कैप्चर पीपल मींस लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़े जाते थे, ठीक है। तो बैटल्स में जो वेल्थ मींस होता है धन, है ना, बैटल्स में जो धन जीता जाता था, तो उसका जो कुछ भाग होता था वो उस बैटल का लीडर रख लेता था, बैटल सॉरी उस आर्मी का लीडर रख लेता था, है ना। कुछ प्राइस्ट मींस पुजारियों को दे दिया जाता था, पुरोहितों को, ठीक है, और बाकी जो बचता था उसमें से लोग जो होते थे वो लोग आपस में बांट लिए लिया करते थे। द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, उनमें बांट दिया जाता था, ठीक है। कुछ खजाना जो होता था या कुछ धन जो होता था वो यज्ञ में भी दिया जाता था, यज्ञ करने के लिए प्रयोग किया जाता था उसका, है ना। यज्ञ, यज्ञ तो जानते ही आप, उसमें आग जलती है, तो उसमें आहुति दी जाती थी, उनकी सैक्रिफाइस किया जाता था, और ये ज्यादातर गॉड गॉडेसेस के लिए किया जाता था, ठीक है। तो धन के साथ साथ घी, ग्रेन्स, और कई बार तो एनिमल्स भी उस यज्ञ में डाल दिए जाते थे, उस अग्नि में डाल दिए जाते थे, ठीक है। तो ज्यादातर वॉर्स जो होते थे, बैटल्स जो होते थे, उसमें पुरुष भाग लेते थे, है ना, मेन जो होते थे वो भाग लेते थे। तो उनकी कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, लेकिन
वहां जो लोग होते थे वो असेंबलीज में मिलते थे, और असेंबली में मिलकर वो लोग वहां मैटर डिस्कस किया करते थे कि युद्ध करना है या पीस मींस शांति की घोषणा करनी है, ठीक है। वहीं पर वो लोग अपना लीडर चुनते थे, सरदार चुनते थे, ठीक। और सरदार कैसा होता था? जो बहादुर हो और स्किलफुल वॉरियर मींस अच्छा योद्धा होता था, ठीक। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल, सो वी विल रीड टुमारो, ओके।